अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में अबैदुल्ला हाजिर है। मेरे साथ डॉक्टर मसूद साहब भी मौजूद है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस पे हमने एक ही वीडियो पिछले साल भी बनाई थी, तब बहुत सारे लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया कि आप लोग जो हैं बिला वजह या किसी और चीज़ की वजह से जो है ना अस्सलाम वालों के पीछे पड़े। तो आज एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने। डॉक्टर साहब से हम वो सवालात रखेंगे जो उस टाइम पे भी रखे थे, और वही सवालात दोबारा भी करेंगे उनसे कि आज क्या फैक्ट एंड फिगर है और एस्ट्रोलैब वाले जो फार्मर है वो आज जलील हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जो एस्ट्रोलैब फार्मर है उनको नुकसान जो है वो होना शुरू हो गया है, वजह किया है? आपने पिछले साल ये अंदाजा कैसे लगाया था कि ये नुकसान कैसे होगा और ये फायदे में क्यों नहीं है? अबद, मैं वली तो नहीं हूँ, ना ही गैबी इल्म है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो मुझे पता होते हैं कि भाई ये है तो, और मैं लोगों को समझाता रहा बिल्कुल कि भाई आप जो है वो एस्ट्रोलैब सिर्फ काला रंग की वजह से ना डालें, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो प्रॉब्लम ये है कि सोच समझ के बगैर भेड़ चाल के लोग बिलीव करते हैं कि मेरे कजन ने डाल लिया तो मैं भी डालूंगा। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ चमक दमक पे बने मरते हैं बिल्कुल। हमारे लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के यूरोप क्यों जाते हैं कि उनकी स्किन गोरी है, अफ्रीका नहीं जाते जहाँ पे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां पे आपकी इज्जत भी है, सारा कुछ है, जलील हो जाते हैं लेकिन गोरों के बाथरूम साफ करते हैं बिल्कुल। जहाँ इज्जत है, जहाँ वो काले आपका बाथरूम साफ करते हैं वहां आप नहीं जाते, सिर्फ क्योंकि हम लोग बेसिकली वो क्या कहते हैं एहसास कमतरी का शिकार है बिल्कुल। हम चमकती हुई चीज चाहते हैं तो इसका, बल्कि ये है कि मैंने अभी ये इररिलेवेंट है, अभी हमने एक शावरिंग सिस्टम बनाया तो मैंने वो सिस्टम जो है एक बंदे को लगा के दे दिया, तो उसका डीओ लेवल तो बहुत अच्छा था, सारा कुछ ठीक था। तो उसने कुछ दिनों के बाद मुझे फोन किया कि सर ये जो है ना शावरिंग सिस्टम इसके ऊपर कुछ करें, ये इसका कोई रंग बदलें या इसका कोई जो है ना वो ये बोतल उतार लें। मैंने कहा भी वो क्यों, जब सारा कुछ ठीक है, तुम्हारे डीओ लेवल बहुत अच्छा था। कहते जी के वो मोहल्लेदार कहते हैं कि ये क्या बोतल क्यों लगाई हुई है, तो चाहे हो लेकिन बोतल कुछ और डिजाइन की कर दें, ग्लोब की तरह कर दें, कुछ इस तरह कर दें, क्योंकि जो है ना मेरा शरीका जो है ना वो मुझे नहीं जीने देता। मैंने कहा आपने मछली पालनी है, ये शरीका पालना है, भाई आप वो देखें जो सस्ती चीज है बिल्कुल। वो कहता है जी कि बेशक मेरा कुछ 5-10 हजार रुपया और लग जाए लेकिन ये बोतल की जगह पे कुछ और लगा। अब हमने हालांकि चाइना से जो शावर आ रहे थे वो हमने उनको बाईपास किया कि सस्ती चीज लोगों को दें, लेकिन लोग जो हैं वो बस छोड़े बस। पर ये अच्छा, जी आप कंटिन्यू रखिए। ये जो है ना एस्ट्रोलैब का ये भी ऐसा ही है, ये वो बोतल है जिसके ऊपर सुर्खी पाउडर लगा हुआ है लेकिन इसके अमाल अच्छे नहीं है, ये 200 से ऊपर अंडा नहीं देती। मैंने ये पिछले साल भी कहा था, अब आज मैं बल्कि इसकी बोर्ड पे आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, पहले थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ कि एक मुर्गी आपको 3000 रुपए की मिल रही थी, 3000 रुपए की मुर्गी अगर 300 अंडा भी रोजाना दे दे, हालांकि ये 200 से ज्यादा अंडे नहीं देती, तो 300 अंडा भी अगर दे दे और 10 रुपए का अंडा बिके तो साल में मुर्गी आपकी अपनी कीमत भी नहीं उतार पाती बिल्कुल। फीड तो अलग की बात है, दवाइयां अलग, लेबर बिजली ये वो, शेड की कीमत, शेड का किराया अलग है, तो 3000 को सिंपली आप 10 रुपए से तकसीम कर दें अगर खाने में जाएगा बिल्कुल, तो वो आपकी मुर्गी कभी भी वायबल नहीं हो सकती क्योंकि वो अपनी कीमत ही नहीं उतार पाएगी बिल्कुल। अब आ गया जी कि पहले क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि जैसे डबल शाह ने किया था कि एक से पैसे पकड़े उसको नफा दे दिया, अगले बंदे को वो घेर के लाता था कि जनाब इधर आ जाओ, और या जैसे एक कंपनी है चाइना की टाइम्स, तो वो क्या करती है, वो भी ऐसे ही है कि आपको कुछ उसमें बेनिफिट दिया तो आप 10 मेंबर और लेके आएंगे तो फिर आपको वो इतना एडवांटेज मिल जाता है, उसमें कमीशन मिलती है।
तो आर्सेनल लॉप का भी ऐसे ही हो रहा था, ये खाने में तो जा ही नहीं सकता ये अंडा, ये क्योंकि अगर आप ये अंडा बिक रहा था जी 60 रुपए का, 70 रुपए का, 75 रुपए का, मुर्गी बिक रही थी 3000 रुपए की, जो अनरियलिस्टिक है। क्या आप 60 रुपए का अंडा खरीद के खाएंगे? आप 60 रुपए जो चीनी का रेट 10-20 रुपए बढ़ा तो पूरे मुल्क में रोला डल गया। तो अंडा जो है वो तो रोजाना की आइटम है, चीनी फिर भी रोजाना की आइटम नहीं है। तो 10 रुपए वाला अंडा आप 60 या 70 रुपए में लेके नाश्ता कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फिर अंडे भी छोटे साइज का। तो उस वक्त ये हो रहा था कि आगे बेचा जा रहा था वो चूजा निकलवा के आगे, अब वो सैचुरेशन हो गई है। अब आर्सेनल लॉप इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई आगे लेने वाला ही नहीं बचा। अब अंडा जो है वो 18 रुपए का भी नहीं बिक रहा। अब 18 रुपए के क्यों नहीं बिक रहा? कि अब खाने में जाएगा। जब खाने में जाएगा तो कोई 18 का क्यों लेगा, वो भी जब अंडा भी छोटे साइज का हो और मार्केट में बड़े साइज का अंडा 9 रुपए का बिक रहा हो, तो डबल पे कौन लेगा? अब लोगों के अंडे खराब हो रहे हैं, चूजा नहीं बिक रहा। तो ये वजह थी जो मुझे पता था कि भाई जब तक किसी चीज की खपत खाने में ना हो, यानी खाने में ये है कि आपने सुबह खाया और शाम तक भस्म हो गया, वो गया, खत्म हो गया। इधर आपने चूजा निकलवाया तो और प्रोडक्शन इन की, यानी और चूजा आ गया मार्केट में, वो 4-5-6 माह के बाद वो भी प्रोडक्शन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मुमकिन नहीं था। अब मुर्गी एक अंडा देने के लिए आर्सेनल लॉप 120 ग्राम खुराक खाती है, यानी अगर आप 8 रुपए की खुराक ही खिला देंगे और अंडा आपका 10 रुपए में बिकेगा, उसमें बाकी आपने मुर्गी की कीमत भी निकालनी है, खुद अपने अखराजात भी निकालने हैं, शेड के बीमारियां, वैक्सीनेशन, बड़ा कुछ है इसमें, बर्तन ये वो सारा कुछ आपने वो डाले हुए हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आपको नफा हो जाए? ये नुकसान होना था। और अब ये जो काली मुर्गी वाले हैं फार्मर, मैं इसको काली मुर्गी कहूंगा, आर्सेनल लॉप ये असल में है भी नहीं, तो ये काली मुर्गी वाले अब क्योंकि सोग होता है ना, वो काले कपड़े सोग की सूरत में लोग पहनते हैं, तो अब ये इंशाल्लाह, मुर्गी ने तो काले कपड़े पहले ही पहने हुए थे, ये भी इंशाल्लाह पहनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो आर्सेनल लॉप का अंडा है वो कितने में पैदा हो रहे हैं और कितने में सेल हो रहे हैं? आपने अभी बात की तो इनपे जो है वो फार्मर्स को बता दें कि कितने में बिक रहे हैं, कितने में पैदा हो रहे हैं। अभी मैंने बताया ना कि इस वक्त मेरे पास लोग आए हैं जी 18 रुपए का अंडा नहीं बिक रहा, नुकसान हो रहा है, जबकि घर में इनको 25 रुपए का पड़ता है अंडा। तो 25 वाला 18 में नुकसान तो अभी से होना शुरू हो गया। तो अब मुर्गी भी नहीं बिक रही, चूजा भी नहीं बिक रहा, तो कोई क्यों लेगा? और जब एक जो क्या कहते हैं वबा फैल जाती है ना कि जी ये नुकसान हो गया फलां को, तो फिर सारे ही मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं कि मेरी मुर्गी उठा लो, मेरी मुर्गी उठा लो। तो अब ये गोल्डन मिस्ट्री के रेट पे ही जाएगी इंशाल्लाह, और इससे ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें ना वो गोश्त की प्रोडक्शन अच्छी है और ना उसके अंडे की प्रोडक्शन अच्छी है, कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने ये 3-3 हजार की 2200-2200 की मुर्गी बेच दी अब नहीं बिकेगी, और अगले साल इससे भी ज्यादा मंदा होगा, क्योंकि उन्होंने पैसे ज्यादा लगाए हुए हैं, उनकी कोशिश होगी कि हम 2-4 महीने और रख लें, शायद बिक जाए, इस चक्कर में और नुकसान करते जाएंगे। अगर फ्री रेंज में करेंगे तो कुछ 3-4 रुपए सस्ता पड़ता है कि आधी फीड और आधी वो फ्री रेंज में। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि 25 रुपए का जो है वो एक अंडे का प्रोडक्शन कॉस्ट है, और एक साल में जो है जो आर्सेनल लॉप फार्मर है, जो आर्सेनल लॉप है उसकी जो खर्च है वो भी पूरी नहीं हो सकती एक साल की प्रोडक्शन के बाद भी, तो इसकी क्या वजह है? फार्मर सोचता नहीं है या देखा देखी चीज जो है वो ले लेता है, फिजिबिलिटी नहीं स्टडी करते, क्या इशू है? भेड़ चाल है। किसी जैसे अब ये है कि सबको पता था कि ये इतना मुनाफा नहीं हो सकता डबल शाह जो दे रहा था, लेकिन सारे ही उसने अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया। एक और आई लसानी कंपनी, लसानी बिल्कुल 83 अरब रुपया लेके वो भाग गई। ये भेड़ चाल है। अब एक ने डाला, दूसरे ने बगैर सोचे समझे, बगैर कैलकुलेशन के, तो और कुछ यूट्यूब का भी इसमें कमाल है कि वो यूट्यूब पे तो 465 अंडे भी दे रही होती है, लेकिन असल में तो 200 अंडे देती है। तो ये कम से कम गूगल से कम सर्च कर लिए, यूट्यूब पे ना जाए, गूगल पे कर लें, बुक्स हैं, किसी
टेक्निकल बंदे से जो है वो पूछ लें भाई कितने अंडे देती है, वाकई इतने देती भी है या नहीं। अगर इतने अंडे देती होती तो मैं पहले भी ये अपनी पिछले साल की वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि अगर इतने अंडे देती होती तो कोई तो कमर्शियल फार्म होता इसका अंडे का। पूरे पाकिस्तान में मुझे दिखाएं कि अंडा जो बेच रहा हो खाने के लिए कमर्शियल वो है। ये जो अभी ये फार्म बने हुए थे ये इनको आप कमर्शियल फार्म नहीं कह सकते, ये फैंसी फार्म है, फैंसी चिकन फार्म है। क्योंकि ये खाने में नहीं जा रहा, मुल्क की जरूरत नहीं पूरी कर रही खुराक की, ना ये कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो हमने जो है वो मुर्गी की कॉस्ट और अंडे की कॉस्ट इस चीज पे बात की है कि अगर कोई 100 डाले तो 100 डाले, इसमें तो अमवात भी होगी। हाँ। तो जाहिर सी बात है उसकी भी कॉस्ट है, वो भी आपने बाकियों पे डाल देना है। अगर 300 मुर्गियां आपने डाली है उसमें से आपकी 10 मुर्गियां भी मर जाएं, ठीक है, तो उसकी भी तो कॉस्ट है ना। बिल्कुल है, और इसमें शरा अमवात जो वाइट लेग हॉर्न है उससे ज्यादा है। ये जितने फार्मर हमारे ये छोटे छोटे हैं ये क्योंकि वेल इक्विप्ड नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये अपनी मुर्गी का 25% अंडे लेने से पहले पहले मार लेते हैं। 15% तो नॉर्मल है इसमें, तो 15 तो नॉर्मल जो बुक्स में आती है बिल्कुल, और बाकी जो है वो 5-10% ये ज्यादा इसलिए कर लेते हैं कि ये प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं करते, या इनको वैसे पता नहीं होता कि क्या बीमारी आ गई, क्या हुआ, टेम्परेचर कितना देना है ये वो। उसमें जो है कुछ लोग तो हैं ऐसे जो समझदार है, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने पहली दफा मुर्गी डाली थी तो वो नुकसान करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अब फार्मर क्या करें जिन्होंने एस्ट्रोलॉब डाली हुई है या पाली हुई है, उनके पास चूजे हैं, वो अब क्या करें? नहीं, आप खुद बताएं कि आपके पास रोजाना कितने फार्मर आते हैं कि जी वो नुकसान हो गया। अब तो बेहतर तरीका ये है कि पहले किसी एक्सपर्ट से राय लेने, मेरे से बेशक ना लें। वो लोग ये सोचते होंगे कि अब जब मैंने ये राय दी थी भाई एस्ट्रोलॉब ना डालें तो क्या मेरा इसमें क्या बेनिफिट था, क्या मैं कोई एस्ट्रोलॉब सेल करता था या मैं कोई और मुर्गी सेल करता था या मेरा कोई फार्म था या मेरा कुछ इस तरीके, मेरा तो कुछ सिंपल सी एक राय दी थी कि ये नुकसान करेंगे। क्योंकि पहले ही आप लोग अच्छे कारोबार की तलाश में फिर रहे हैं, बेरोजगारी है, सारा कुछ है, और उसके बाद अगर आप ये डाल लेंगे तो जमा पूंजी सारी इसमें लग जाएगी और कर देंगे और वही हुआ। तो अब एक तो ये बायोफ्लाक का जो मैं आजकल कर रहा हूँ ये सेफ है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है बिल्कुल, मतलब जितनी आपने 1000 लेयर रखनी है और बाद में उसमें भी घाटा खाना है तो उसमें तकरीबन 3 टैंक ऑपरेट हो जाते हैं बिल्कुल। अब 3 टैंकों में आपको मैं कम से कम बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई बंदा आके मेरे से डिबेट करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ, मेरे दफ्तर में आ जाए, मैं उसको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये 3 टैंकों में वो 4.5 लाख रुपए तक आराम से सेव कर सकता है बिल्कुल, तो ये कारोबार अच्छा है। और अगर मुर्गी ही रखनी है कि शेड बने हुए हैं तो देन आप सेकेंड हैंड मुर्गी ले लें, व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न अपनी पीक प्रोडक्शन 95 से भी ऊपर चली जाती है, यानी इतनी उसकी अच्छी प्रोडक्शन होती है, 325 अंडे साल के वो देती है। तो अगले साल वो कितने काम करती है, 7-8%। आप 10% उसमें से निकाल लें तो 10% 30 अंडे कम हो जाएंगे, 280 अंडे आ जाएंगे या 290 अंडे, तो वो इससे फिर भी बेहतर है बिल्कुल। और वो मुर्गी आपको कितने में मिल गई, ये 3000 की मिल रही थी और वो 300-250 बिल्कुल, तो 300 वाली मुर्गी लेके उसके अंडे का साइज भी बड़ा है, हर जगह अंडा बिक भी जाता है बिल्कुल। अगर आपने चूजा निकलवाना है तो वो AW चिक्स हमने एक प्रोग्राम दिया हुआ है उसमें आ जाए, हम आपसे अंडा 14 रुपए का खरीद लेंगे फर्टाइल एग, तो वो उस तरीके से आप कर लें, फार्मिंग करें, हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं, पूरे साल का एग्रीमेंट होगा और आप वो अंडा सारा हमें देंगे और किसी और को फिर नहीं दे सकेंगे, तो वो हम आपसे एग्रीमेंट करने को तैयार है। हाँ, अगर आप अपने तौर पे करना चाहें तो पहले ही कर लें कि जनाब हम आपको अंडा नहीं देंगे, आप हमें ये काम करवा दें, तो उसके फिर हम थोड़े बहुत चार्जेस आपसे ले लेंगे कि ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी चीज है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत कम है या लोग बहुत कम फॉलो करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे कंसल्टेंट बैठे हैं। हाँ। वो लोगों को कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, वो चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, पहले वो कंसल्टेंसी लेते हैं, चीजें समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं।
पाकिस्तान में तो ये चीज ना होने के बराबर, यहाँ पे आप किससे कहें कि भाई कंसल्टेंसी के ये चार्जेस हैं, इसमें मैंने आपको 3-4 घंटे देने हैं और सारा कुछ समझाना है किस तरह करना है, कैसे ये जो है वो फिजिबल है आपके लिए, आपने क्या करना है इसमें। आप उनसे अगर 2-3 हजार चार्जेस की बात करें तो लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं कि आप मशवरे के 2-3 हजार लेते हैं और जब 8-10 लाख का नुकसान करते हैं फिर सब पकड़ के आ जाते हैं कि भाई कुछ कर दो, तो तब फिर कुछ नहीं हो सकता। आप कम से कम एक बिजनेस स्टार्ट होने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से, किसी अच्छे बंदे से जो अपने फील्ड के या अपने बिजनेस के एक्सपर्ट है उनसे मिले, बेशक उनकी जो 2-3 हजार फीस है वो दे दे, वो चाहे कोई भी है कहीं पे भी बैठा है, उनसे आप मिलें, उनसे कंसल्टेंसी लें, चीजें समझ लें, उसके बाद बिजनेस करें। कम से कम इतना नुकसान आपको नहीं होगा कि जो है वो नो रिटर्न के पॉइंट पे आप पहुंच चुके होंगे कि भाई अब मैं क्या करूं। अब 800 लाख वालों के साथ सर यही हुआ है, बात यही है कि ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं जो बताते हैं जी कि हम पिशावर से आपके पास आए हैं और हमें आप जो है ये समझाएं, तो जब फीस देने की बारी आती है तो कहते हैं फीस तो हम नहीं देंगे, यानी वो पिशावर से आने जाने का गाड़ी का पेट्रोल बर्दाश्त करते हैं, टोल प्लाजा वो सारा कुछ करके, तो 8-10 हजार का इजीली खर्चा है। हाँ, वो 10 हजार खर्च कर लेते हैं। इधर जब फीस की बारी आती है तो वो कहते हैं जी ये नहीं, और एक दो तो ऐसे भी थे जो वापस चले गए और यानी उन्होंने वो 20 हजार रुपया खर्च कर लिया और इधर नॉमिनल से फीस देना गवारा नहीं। तो इस तरह के भी लोग हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई, और दूसरी बात ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल। यानी आप अगर ये देखें कि हम इनको अगर कहते हैं जी कि आपका फार्म है तो आप हमें एक मुर्गी जो है वो जरा जिबा करके चेक करवाने को दे दें तो नहीं देंगे। अगले बंदे को कहते हैं कि आप 2-3 घंटे हमारे लिए फ्री निकालें, हमें चाय भी पिलाएं, हमें सारा कुछ करें और हमें मुफ्त मशवरा दें, बिल्कुल। और आपने जो तालीम हासिल की है वो मुफ्त में किया, आपने कोई फीस पे नहीं की, कुछ नहीं किया, आपने दूसरे मुल्कों में इतना टाइम गुजारा, ये सारा कुछ किया, ये दफ्तर इतना बड़ा बना के बैठे हुए हैं, तो इसका खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं? बिल्कुल। वो उस पे आके तो वो कंजूसी कर देते हैं और वो चले जाते हैं जनाब के फीस नहीं देनी। तो एक वकील अगर फीस नहीं लेगा तो वो कहाँ से खाएगा? अगर एक डॉक्टर आपकी नब्ज देख के तो आपसे 3-3.5 हजार रुपया ले लेता है और वो 5 मिनट सिर्फ लगाता है, उसको आप दे देते हैं, तो एक बंदा आपको 1 घंटा या 2 घंटे टाइम दे रहा है और आपको सारा समझा रहा है और आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट जाया होने से बचा रहा है, तो उसको आप 5 हजार रुपया नहीं देंगे, तो जो नहीं देते फिर वो इधर उनका हो जाता है। सर मुझे कल परसों एक बंदे का फोन आया, सऊदी अरब होता है, उन्हें 15 लाख का नुकसान किया है पिछले साल पोल्ट्री में और वो अभी जो है बायोफ्लॉक पे आ रहे हैं। उनको मैंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया, उनको सारी चीजें समझाई, वो कह रहे हैं कि जब मैं पोल्ट्री का काम कर रहा था तो मुझे किसी ने नहीं समझाया, मैंने जिसको भी कॉल की उसने कहा कि इसमें मुनाफा ही मुनाफा है, ना ये बताया कि इसमें कोई जो है मोर्टिलिटी भी हो सकती है, कोई बीमारी भी है इसमें जो है, बाकी इतने इतने खर्चे हैं। लेकिन जो बायोफ्लॉक का आपने मुझे समझाया कि इतना ये खर्च होगा, इतनी इसमें मछलियां आनी है, इसमें ये चीजें, किस चीज का आपने ख्याल रखना है, तो कि जो मुझे समझ आ गई है कि आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग जो वीडियो में बताते हैं, वो रियलिटी में भी उसी तरह ही है। वो कहते हैं मैं डिफरेंट जो है वो कंट्रीज के यूट्यूबर जो है वो देखता हूँ जो बायोफ्लॉक पे वीडियो बनाते हैं, कहते वो भी इतना क्लियरली नहीं बताते, वो नहीं बताते। दूसरी बात ये है कि आप खुद देखें कि वो जो साहब हैं या जो इधर लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको बकायदा फिजिबिलिटी एक बना के देते हैं, बना के देते हैं और उनको देते हैं कि इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो डिस्कस करें कहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो उस बात पे आने को तैयार नहीं होते कि वो उसी बात पे लगे होते हैं। अब एक साहब ने कल मुझे मैसेज किया कि सर मैंने एक मैसेज था वो लिखा हुआ था कि एक बंदे ने 100 असलॉप छत पे रख के तो हामिद करजई से ज्यादा डॉलर कमा लिए। अब यानी हामिद करजई पूरा जहाज भर के ले गया डॉलरों का, तो 100 मुर्गी से कैसे कमा सकता है भाई? तो इस तरह की जो है वो अक्सर यूट्यूब पे जो है कैची वर्ड इसको हम कहते हैं, हाँ। वो कैची वर्ड यूज करके व्यूअर तो अट्रैक्ट कर लेते हैं, हाँ। लेकिन बिजनेस और फायदा जो है, प्रॉफिट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता, इसे ना इसे हो सकता है। हाँ, ये है कि आपके व्यूअर्स जो है वो बढ़ सकते हैं, व्यूज उन व्यूज का क्या फायदा? बिल्कुल, वो
अब ये देखें कि हमारे व्यूअर्स तो थोड़े हैं बिल्कुल, लेकिन हमारी एक दिन में 25% व्यूअर एक ही दिन में देख लेते हैं बिल्कुल, क्यों, और वो पहले से वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई नॉलेज वाली वीडियो आए और इस तरीके से कोई डीप नॉलेज हमें दिया जाए, समझ आए। और कोशिश मेरी यही होती है कि ऐसी जबान बोली जाए, कोशिश तो मैं करता हूँ लेकिन बाद वक्त इंग्लिश के लफ्ज आ जाते हैं जो रवानी में मैं बोल जाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को समझाया जाए, ना कि सिर्फ व्यूअरशिप ली जाए। अगर आज मैं कह दूं कि जनाब बायोफ्लॉग से एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाए तो व्यूज तो बहुत आ जाएंगे, बहुत ज्यादा, लेकिन लोग मुझे बाद में बुरा भला जरूर कहेंगे और मेरी क्या, अगर अगर मैंने डॉक्टर होके ये काम करने हैं तो फिर फायदा क्या, फायदा फिर मेरे ही और वो जो जैसे वो कहते हैं अल्ट्रासमार्ट वाले में क्या फायदा। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह एक नई स्टोरी एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अभी दे हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।